स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी कोर। और बुक का नाम है आरोह भाग दो और आज की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी अगर आप पूछना चाहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिचय से हम शुरू करेंगे। तो परिचय कुछ इस तरीके से है कि कैमरे में बंद अपाहिज ये जो कविता है, इसमें जो है मतलब दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं, उन्होंने मतलब किस तरीके से एक अपाहिज व्यक्ति का जो है इंटरव्यू लिया और किस तरीके से उन्होंने मतलब संवेदनहीनता पर वो उतर आए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि मीडिया में हमेशा हमें जो चीजें दिखाई जाती हैं वो ज्यादा इमोशनल करके दिखाई जाती हैं। ठीक है, दुख भरी कहानियां ज्यादा दिखाई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता भावुक हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मीडिया का हो। और इसमें क्या है, अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बहुत क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। अपाहिज आप सभी समझते होंगे जो अपंग लोग होते हैं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड, तो उनको कैमरे के सामने बिठाकर उनसे ऐसे ऐसे मतलब संवेदन आप कह सकते हो संवेदनहीन उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब बिल्कुल वो रोते नहीं है पर रोने जैसा ही उनका पूरी मतलब उनकी हालत हो जाती है। ऐसे ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं और मीडिया की कोशिश यही होती है कि अपाहिज व्यक्ति के ये जो दर्द हैं इसको सुन सुन के दर्शक जो देख रहे हैं उनके कार्यक्रम को वो रो पड़े, जिससे फायदा किसका होगा, मीडिया वालों का होगा। और क्या है इसमें, इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। आप देखते होंगे टीवी वगैरह में कि वो मतलब दुख भरी कहानियां सुनाते रहते हैं, पीछे साउंड भी दुख भरा चला देते हैं। इससे क्या होता है, कार्यक्रम इंटरेस्टिंग बनता है उनका और उनकी कमाई होती है। और कवि ने मीडिया की इसी व्यावसायिक क्रूरता पर कटाक्ष किया है, यानी कि प्रहार किया है। अब आइए देखते हैं इसका संदर्भ क्या होगा। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। ठीक है, आज का जो हमारा पहला काव्यांश होगा वो कौन सी कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। और इनका एक पूरा एक बहुत बड़ा काव्य संग्रह है जिसका नाम है लोग भूल गए हैं। उसी काव्य संग्रह में से ये कविता ली गई है, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, ये कविता उसी काव्य संग्रह में मूल रूप से संकलित है। अब आगे मैं आपके सामने कविता पढ़ के दिखाऊंगा, फिर इसका प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा या मतलब देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब इसका प्रसंग देखते हैं क्या होगा। तो रघुवीर सहाय एक कवि होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। ठीक है, और इस कविता के अंतर्गत उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यवसायीकरण, यानी कि लोग कैसे बिजनेस बना के बैठे हैं, ठीक है, इस मीडिया की लाइन को, और उसके फलस्वरूप जो एक नैतिकता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, एक जो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, एक जो मतलब एक नैतिकता होनी चाहिए, इंसानियत मानवीयता, वो सब खत्म हो चुकी है। लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, और मतलब मीडिया के ऊपर ही है ये पूरी कविता। अब मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, मैंने कविता का जो काव्यांश है पढ़ दिया, इसकी व्याख्या देखते हैं। दूरदर्शन के जो संचालक हैं खुद को शक्तिमान मानते हैं, यानी कि सबसे शक्तिशाली कौन है, जो दूरदर्शन यानी कि जो मीडिया वगैरह को चलाते हैं, जो संभालते हैं, उनको यहाँ पे कवि ने ये बताया है कि वो खुद को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं। और इसमें अब एक नाटक की तरह इसकी व्याख्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो दूरदर्शन का संचालक है, ठीक है, वो क्या कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर प्राणी को बुलाएंगे, हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे तो हाँ बताइए कि आप अपाहिज हैं, वह इसका उत्तर दे, इससे पहले ही हम उससे पूछ लेंगे कि आप क्यों अपाहिज हुए। ठीक है, अब आगे देखते रहना वो कैसा कैसा पूछेंगे। यह प्रश्न बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस बात पर शांत रहेगा या मौन रहेगा, तब उसके दुखों को कुरेदा जाएगा। किस तरीके से, उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। अब ये ऐसे प्रश्न है जो किसी अपाहिज से अगर आप पूछोगे तो उसको क्या वो आंसर देगा, उसको तो दुख होगा ना अंदर ही अंदर। ठीक है, ये कोई मतलब मानवीय प्रश्न थोड़ी होते हैं। फिर क्या होता है, इस पर भी वह शांत रहेगा तो उससे फिर पूछा जाएगा क्या अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है। ठीक है, तो इससे भाई उसका जो दुख है
है उसका लेवल और बढ़ जाएगा अंदर ही अंदर, वो फिर भी शांत रहेगा। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और बड़ा करके दिखाएगा, पूरा बिग स्क्रीन पे अपाहिज का जो है मतलब चेहरा दिखेगा और उससे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। नजर उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा कि हाँ तो बताइए, आप अपने दुखों के बारे में बताइए सबको, ठीक है जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, समय बीता जा रहा है। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो क्या बता सकता है, इतना तो उसे अंदर ही अंदर दुख हो रहा होगा जैसे उसे प्रश्न पूछे जा रहे थे वहां पे। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। कवि दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत मतलब कर्ता का चित्रण करते हुए कहता है कि वह उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर अमानवीय तरीके से सिर्फ अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और सफलता के लिए प्रश्न पूछता है। यानी कि अभी एक नया काव्यांश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका प्रसंग तो मैंने आपको समझा ही दिया है, वही चल रहा है कि मतलब वही जो दूरदर्शन का जो संचालक है वो उससे इतने बुरे बुरे प्रश्न पूछ रहा है जो उसको दुख में डुबो दे, लेकिन उसका दुख सामने आ नहीं रहा है अपाहिज का। अब इसमें लिखा हुआ है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब इसकी व्याख्या मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से तो आपको समझ आने से रहा, तो व्याख्या में क्या है आइए देखते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि अपाहिज जी आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है, ठीक है, दूरदर्शन वाले जो है वो पूछ रहे हैं अपाहिज से, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, ठीक है अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए आप अपाहिज हैं, यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है, कितना बुरा लगता है आपको कि आप अपाहिज हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं ये इतने मतलब लो कैटेगरी के प्रश्न हैं कि जो सामने वाला है उसको कितना बुरा लग रहा होगा आप भी सोच सकते हो। फिर क्या होता है, सोचिए और सब दर्शकों को बताइए आपको कितना दुख होता है, ठीक है अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में शांत रहता है। तो कार्यक्रम संचालक खुद बेहूदे इशारे करता है, पूछता है कि आपको इस तरह का दर्द होता है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है उसको गंदे गंदे और बेहूदे इशारे करने लगता है जो संचालक होता है अपाहिज को। फिर क्या होता है, सोचकर बताइए जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा बताइए, ठीक है ट्राई करिए कुछ बताइए, क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, जो आपको लोग सुन रहे हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे, यह बढ़िया मौका आप खो देंगे, सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिल रहा है। ये सारी बातें कौन कह रहा होता है, दूरदर्शन का जो संचालक होता है वो बता रहा होता है और पूछ रहा होता है अपाहिज से जो एक बंद कमरे में बैठा होता है उसके साथ। और फिर उसके बाद क्या होता है, कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए, जितना अपाहिज व्यक्ति रोएगा दर्द को दिखाएगा जनता उतनी ज्यादा भावुक होगी उसे देख के, इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे, इतने सवाल पूछेंगे कि उसे पूछ पूछ कर ही हम रुला देंगे, ठीक है ऐसा प्लान होता है उनका, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब इसकी व्याख्या क्या है आइए देखते हैं। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तो हमारी कोशिशों से ही वो रो देगा, ठीक है जैसे प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो ये सुनकर ही रो देगा, ऐसा सोच रहे होते हैं दूरदर्शन वाले। दर्शक भी उस क्षण का उस टाइम का इंतजार करते हैं कि जबकि मतलब अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़ेगा, हर कोई उस सीन के बारे में सोच रहा होता है। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते इस सीन का, करते हैं जरूर करते हैं, ठीक है। अब लास्ट के जो काव्यांश हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगा, बार बार इसको रीड नहीं करूंगा, सीधा व्याख्या बताऊंगा इसके बाद। तो हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, ठीक है इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे को दिखलाएंगे, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। ठीक है अब इसकी व्याख्या समझिए क्या होता है लास्ट में, ठीक है। तो प्रसंग में तो ये होगा कि यहाँ कवि
दूरदर्शन पर अपाहिज व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता का दर्शन मतलब एक तरीके से दर्शाता है कि कैसे दूरदर्शन वाले टीवी पे दिखा रहे हैं, ठीक है, उस अपंग व्यक्ति को बार बार उसको जूम करके दिखा रहे हैं कैमरे से, ठीक है। इसकी व्याख्या क्या होगी कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की मतलब सूजी हुई आंखें दिखाने लगता है, ठीक है। अब क्या चल रहा होता है टीवी स्क्रीन पे कि जो वो मतलब अपाहिज है उसकी सूजी हुई आंखें दिखाई जाती हैं सबको, वे सूजी हुई आंखों को बहुत मतलब बड़ा करके दिखाते हैं, इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। जनता को दुख हो, देखें उसकी आंख को और कितना वो मतलब दुखी है, जनता भी भावुक हो और उनका कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, बस उनको यही चाहिए, ठीक है। और क्या है, वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं, वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के जनता को इमोशनल करने का यहाँ पे सीन चल रहा है पूरा। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे मतलब जो अपाहिजों के जो मतलब दर्द को इस तरह दिखाएं कि ना केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े, ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं। फिर क्या होता है, अब आगे देखते हैं कि परंतु होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता क्योंकि अपाहिज नहीं रोता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश दे देता है, जो ठीक है संचालक होता है कि भाई कैमरा वैमरा बंद करो, यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना होता है, कितना हमारा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, तो बंद करो अगर कुछ नहीं हुआ तो। फिर क्या होता है, इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे, ठीक है, वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा, ठीक है, और इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना, यानी कि उसको इतना ज्यादा जलील कर दिया प्रश्न पूछ पूछ के, और लास्ट में धन्यवाद किस तरीके से कहेंगे कि आज के हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो ये था कि अपाहिजों के दर्द को आप सब समझें, जबकि असलियत क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई चाहते हैं ये लोग, ठीक है। और वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई थी यार, अगर वो रो जाता तो जनता भी रो जाती और हमारा कार्यक्रम हिट हो जाता, अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए, और यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम तो हिट हो जाता, सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब मैं आपको विशेष बता देता हूँ इसका, इस कविता की शैली नाटकीय है, ठीक है, और इस मतलब जो है कविता में मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली, ठीक है, संवेदनहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला है कवि ने पूरा, और भाषा बहुत सरल और स्पष्ट है, सब चीजें आप समझ सकते हो अच्छे से, कवि के विवरण का ढंग काफी रोचक है, इंटरेस्टिंग है, नाटकीय तरीके से बताया गया है, शैली जो है वो व्यंग्य प्रधान है, ठीक है, यहाँ पे कवि ने सीधा सीधा कटाक्ष किया है मीडिया कर्मियों के ऊपर, और शैली जो है वो व्यंग्य प्रधान है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।